उत्तर प्रदेश के जालौन पुलिस की कस्टडी में दिख रहा ये शख्स हत्यारा है। दरअसल ये वही शख्स है जिसने 17 जुलाई को कोंस थाना इलाके में एक महिला को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने हत्या के बाद 24 घंटे के अंदर इस हत्यारोपी को पकड़ हत्याकांड के पीछे की कहानी उजागर कर दी। पुलिस के जुबानी हत्याकांड की कहानी सुन आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हत्या के पीछे लव, सेक्स, धोखा, मर्डर की डबल थ्योरी। दरअसल पुलिस के मुताबिक जिस महिला की गला रेत कर हत्या की गई, उसे उसके उस प्रेमी ने मारा जिसके साथ मिल महिला ने अपने पति को मार डाला था। पूरी कहानी पुलिस की जुबानी सुनिए। 23 को महेंद्र कुशवाहा पुत्र रूप सिंह कुशवाहा, जो सभासद हैं मोहल्ला गांधीनगर में कस्बा कोच के, इन्होंने सूचना दी कि एक 30 वर्षीय महिला है जिसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई है, और इस संदर्भ में दफा 302 में 174/23 मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत किया गया था। इसकी तहकीकात में हमारे द्वारा टीम लगाई गई थी जिसमें पुंछ पुलिस और सर्विलांस एसओजी शामिल थे। तहकीकात के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया और यह सूचना मिली कि जो मृतिका है उसका नाम रोशनी कुशवाहा है, ये पीपरी कैलिया की रहने वाली है, थाना कैलिया पड़ता है इसका। ये ऑलरेडी एक जो अभियोग इसके ऊपर दर्ज हो रखा था 86/21, जो अपने इसके स्वयं के पति की हत्या से रिलेटेड था। इस अभियोग में इसके साथ एक दो और सहे अभियुक्त थे, पवन नाम था, पवन रजावत, और दूसरा था सोनू कुशवाहा। छानबीन के दौरान सोनू कुशवाहा की इन्वॉल्वमेंट इस पूरे केस में, जो रोशनी कुशवाहा के मर्डर में शामिल पाई गई। इस पूरे जो ऑपरेशन के दौरान हमने जब सोनू कुशवाहा को अरेस्ट किया तो इनके पास से एक अदद जो कि घटना में प्रयुक्त की गई थी मोटरसाइकिल पर बरामद हुई, एक आला कतल चाकू बरामद हुआ और एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि जब कस्बा कोंच में ये रोशनी कुशवाहा अपने बच्चे के साथ और अपने पिता के साथ आई थी, तब मैं इसको बुला लेकर गया था और सुनसान जगह पर मौका देखकर मैंने इसका गलत रेत कर हत्या कर दी। पूछताछ के दौरान इसने ये भी बताया कि चूंकि ये महिला इस पर लगातार जो है पैसे मांगने का दबाव बना रही थी और दूसरे से भी बात कर रही थी, और ये लगातार शादी करने के लिए उससे बोल रहा था लेकिन वो महिला से शादी करना नहीं चाह रही थी, इसी गुस्से में इसने आपा खोकर ये हत्या घटना कारित की है। दरअसल 17 जुलाई को जालौन जनपद के पखेश्वर मंदिर के पास एक अज्ञात महिला को खून से लथपथ लाश पड़ी थी। इलाके के सभासद ने कोच पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शिनाख्त की तो पता चला मृतका कैलिया थाना इलाके की निवासी रोशनी कुशवाहा है। शिनाख्त के बाद पुलिस हत्याकांड से पर्दा उठाने में जुट गई और 24 घंटे के अंदर ही हत्याकांड का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि रोशनी की हत्या उसके माधोगढ़ थाना इलाके के निवासी सोनू कुशवाहा ने की। रोशनी में सोनू के साथ मिला 2 साल पहले अपने पति की हत्या की थी, जिसमें एक अन्य समेत दोनों आरोपी हैं। लेकिन अब जब सोनू रोशनी से शादी के लिए कहता तो रोशनी टाल देती, क्योंकि किसी और से चक्कर चलाने लगी थी। ऐसे में 17 तारीख को गुस्से में आकर सोनू ने रोशनी को मौत के घाट उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।